आपने एक एंकर को देखा जो शराब के नशे में मस्त होकर स्टूडियो में नौटंकी कर रहा था, और आज हम आपको बीजेपी विधायक की बेशर्मी को दिखाएंगे। नमस्कार, मैं हूं अंजार आफाक और आप देख रहे हैं खबर अड्डा। सीडीएस जनरल बिपिन रावत की शहादत के बाद पूरा देश शोक में डूबा हुआ है। बिपिन रावत वही है जो तीनों सेना के अध्यक्ष थे और भारत के पहले सीडीएस थे, लेकिन शहादत के बाद ऐसी तस्वीरें और ऐसे घटनाक्रम सामने आए जिसने कई सवाल खड़े कर दिए हैं। आप सभी ने राष्ट्रवाद का ढिंढोरा पीटने वाले नशेड़ी एंकर दीपक चौरसिया का हाल देख ही लिया था कि कैसे उसने नशे की हालत में एंकरिंग शुरू कर दी, जिसकी वजह से उसे बीच शो से भगा दिया गया। लेकिन अब जो तस्वीर सामने आई है वो एक और राष्ट्रवाद का चोला ओढ़ी ढोंगियों की है। जी हाँ, आप जो दांत चियारती तस्वीर देख रहे हैं वो किसी और की नहीं बल्कि बीजेपी विधायक की है। उत्तर प्रदेश के कानपुर देहात से बीजेपी का विधायक विनोद कटियार एक श्रद्धांजलि सभा में पहुंचा था, जहां वो हंस रहा था और खिलखिला रहा था। इस तस्वीर को गौर से देखिए, रात का समय है, कुछ एक लोग नजर आ रहे हैं, लेकिन बीजेपी विधायक का खिलखिलाता चेहरा सबको अपनी तरफ खींच ले रहा है। ऐसे में सवाल ये उठता है कि क्या ये कोई श्रद्धांजलि सभा हो सकती है? क्या बीजेपी के विधायक के यहां श्रद्धांजलि सभा में हंसने, मुस्कुराने और खिलखिलाने का रिवाज है? क्या ये किसी अपने की मौत पर भी ऐसे ही दांत फाड़ते हैं? क्या बीजेपी के विधायक अपनी मर्जी से शोक सभा में गए थे, या फिर पार्टी का ऊपर से आदेश था कि आपको किसी भी हाल में सीडीएस बिपिन रावत जी को याद करते हुए तस्वीरें खींचनी है? चाहे वो तस्वीरें दांत फाड़ती हुई क्यों ना हो, विधायक जी को बस तस्वीर चाहिए थी ताकि वो इस तस्वीर को अखबार में छपवा सके। इस तस्वीर को मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के पास भेजकर अपना नंबर बढ़वा सके। ये तस्वीर सिर्फ एक बीजेपी विधायक की कहानी नहीं बताता है, बल्कि ये तस्वीर बीजेपी के ऊपर से नीचे तक बैठी सभी तस्वीर जीवियों की पोल खोल कर रख देता है। चाहे प्रधानमंत्री मोदी हो, गृह मंत्री अमित शाह हो, या उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ, सभी फोटो के ऐसे भूखे हैं कि अगर इनके कैमरे के सामने कोई आता है तो ये बर्दाश्त नहीं कर पाते। क्या आपने वो वीडियो नहीं देखा जब बीजेपी के अध्यक्ष जेपी नड्डा प्रधानमंत्री के साथ चल रहे थे, तो कैसे अमित शाह ने उन्हें झड़क कर पीछे कर दिया? बीजेपी विधायक की इस तस्वीर को देखकर हम ये नहीं कहना चाहते हैं कि इनको किसी चीज का नशा चढ़ गया होगा, तभी ये भूल गए कि वह श्रद्धांजलि सभा में आए हुए हैं या फिर किसी कॉमेडी शो में। कल हमने एक फर्जी नशेड़ी राष्ट्रवादी एंकर की पोल पट्टी आप सबके सामने खोलकर रखा था, और आज एक और फर्जी राष्ट्रवादी विधायक का यूं दांत फाड़ते हुए नजर आना दिखाता है कि ये सब आखिर किस गैंग से। दूसरों को गद्दार बताने वाले ये गोदी मीडिया के एंकर हो या फिर कटियार जैसे विधायक, ये सब असली गद्दार गैंग है, वरना एक गांजा फूकर स्टूडियो में नहीं झूम रहा होता और दूसरा यूं खिलखिलाकर श्रद्धांजलि सभा में तस्वीर नहीं खिंचवा रहा होता। क्योंकि सीडीएस बिपिन रावत कोई आम नाम नहीं है, उनका यूं चला जाना पूरे देश को शोक में डाल दिया। लेकिन नशेड़ियों, गजेड़ियों और फर्जी राष्ट्रवादियों को इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। सबसे पहले बीजेपी विधायक की इस बेशर्मी को पूर्व आईएएस सूर्य प्रताप सिंह ने ट्वीट कर दुनिया के सामने ला दिया। उन्होंने लिखा कि कल एक नशेड़ी पत्रकार की श्रद्धांजलि देखी, आज कानपुर के बीजेपी विधायक विनोद कटियार की खिलखिलाती श्रद्धांजलि देख लो। पत्रकार प्रशांत शुक्ला कहते हैं कि शहीदों के अपमान में भाजपा मैदान में, ये कानपुर देहात की भोगनीपुर विधानसभा सीट से बीजेपी विधायक विनोद कटियार है, यहां श्रद्धांजलि सभा में आए हुए थे, देखिए कैसे खीस निपोर रहे हैं, ऐसा लग रहा है जैसे बेटे की बारात में दुराचार कर रहे हैं, प्लीज डूब मरिया, शर्मनाक। वसीम अकरम त्यागी कहते हैं कि बजरंग दल के अघोषित प्रवक्ता दीपक चौरसिया के वीडियो के बाद अब देश की एकमात्र हिंदू देशभक्त पार्टी के विधायक द्वारा दी गई श्रद्धांजलि की तस्वीर भी देखी। विनोद कटियार नामी ये शख्स यूपी की भोगनीपुर सीट से विधायक है। कोई नशेड़ी, कोई छिछोड़ा, इस गैंग में सब ऐसे ही है। क्या आपने कभी किसी को श्रद्धांजलि सभा में ऐसे खिलखिलाते देखा है? और आप बीजेपी की इस विधायक की बेशर्मी पर क्या सोच रहे हैं, हमसे कमेंट कर जरूर बताएं। और ऐसे ही अपडेट्स के लिए खबर अड्डा को यूट्यूब पर सब्सक्राइब कर लें। शुक्रिया।